हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड आप लोग हेल्थ वाइज भी अच्छे हो, आई होप एंड आई विश, और स्टडीज भी आप लोगों की अच्छी हो रही हो, आई विश दिस टू। तो हम आज की क्लास प्रोसीड करते हैं जिसमें हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में। तो देर आर थ्री फंक्शंस ऑफ ब्लड। फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो फर्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। एंड वॉट आर दे? फर्स्ट वन इज ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द लंग एल्वेलाई। यानी कि हम लोग ये सब तो पहले स्टडी कर चुके हैं, पर एक डिटेल में हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी पार्ट्स तक, वेरियस बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाएगा ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी पार्ट्स से लंग एल्वेलाई तक पहुँचाएगा कौन? ब्लड। एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, जो कि इंटेस्टाइन से फूड जो एब्जॉर्ब किया गया है, और वो इंटेस्टाइन में कहाँ से आया? वेरियस बॉडी पार्ट्स के थ्रू, जो कि हम पहले डाइजेशन वाले चैप्टर में लर्न कर चुके हैं कि डाइजेस्टेड फूड जो है वो इंटेस्टाइन में किस तरह जाता है, फिर वेरियस बॉडी पार्ट्स से मूव करता हुआ। तो वहाँ से जो है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को लेगा कौन? ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। एंड ब्लड ऑल्सो कैरीज हॉर्मोन्स फ्रॉम देयर साइट ऑफ प्रोडक्शन टू डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स। तो जहाँ प्रोडक्शन होता है हॉर्मोन्स का, वहाँ से साइट ऑफ टारगेट साइट तक ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। और इट ऑल्सो कैरीज एक्सक्रीटरी वेस्ट लाइक यूरिया, नाइट्रोजन वेस्ट। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा ब्लड। ओके, और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट उसका जो वर्क है वो है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन किस तरह से करेगा? वाइट ब्लड सेल्स जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस बाय किलिंग जर्म्स। एंड ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, जिससे कि विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ब्लड लॉसेस ड्यूरिंग इंजरी। तो ब्लड क्लॉटिंग हमें प्रोटेक्ट करेगी ब्लड की लॉस के लिए। ओके, तो ब्लड लॉस ना हो ज़्यादा हमारी बॉडी से, उसके लिए हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है ब्लड प्लेटलेट्स का, तो हम इजीली समझ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो ब्लड है, इट मेंटेन्स अवर बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करके रखता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करता है हीट का पूरी बॉडी ऑर्गन्स में। मान लीजिए कहीं एक जगह हमें हीट लग रही है, तो वो एक सेल में अगर हीट एनर्जी ज़्यादा क्रिएट हो रही है, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको कंपेंसेट करेगा एंड मेंटेन रखेगा हमारे बॉडी टेम्परेचर को। एंड जो इट मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग जो होता है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इन ह्यूमन, इन एडिशन टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर इज अनदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमारे अंदर दो टाइप की सिस्टम मिलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स, जो कि हम अपनी जो दूसरी जो नेक्स्ट लेक्चर क्लासेस हैं उनमें देखेंगे, स्टडी करेंगे डिटेल से कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है और लिम्फेटिक सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। दोनों का अपना अपना रोल है, डिफरेंट रोल है, और उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। तो यहाँ तक, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड एन्जॉय लर्निंग।